चौरी चौरा के एक गांव में शादी नवरात्र में भी ग्रामीण बिजली को तरस रहे हैं। लोग दुर्गा प्रतिमा के लिए वैकल्पिक बिजली मोबाइल टावर से बिजली लेकर चला रहे हैं। चौरी चौरा तहसील के गहिरा रघुनाथपुर में बीते 13 अक्टूबर की शाम को 25 केवीए का ट्रांसफार्मर अचानक से खराब हो गया। इससे पूरे गाँव की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। इसकी सूचना अधिशासी अभियंता पूर्वांचल वितरण निगम चौरी चौरा को दूरभाष पर दी गई। इस पर अधिकारियों ने कहा कि कल आप लिखित रूप में शिकायत दर्ज कराएं। ग्रामीणों ने लिखित रूप में शिकायत दर्ज भी कराई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने 48 घंटे बीत जाने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की। जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फरमान है कि कोई भी ट्रांसफार्मर जलने पर त्वरित कार्यवाही करते हुए दूसरा ट्रांसफार्मर बदल दिया जाए और विद्युत सप्लाई चालू कर दी जाए, लेकिन इस फरमान का भी कोई असर चौरी चौरा में होते नहीं दिख रहा। जब हमारे संवाददाता ने स्थानीय लोगों से इस मामले में बात की तो उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि विद्युत विभाग अब मनमानी करने लगा है। जरा सुनिए। लगभग एक हफ्ते से जला हुआ है और खेत धान की फसलें हम लोगों की सूख रही हैं। धान जो है कि उसका ये निकल चुका, बाली निकल चुका है, वो सूख गया। और दूसरे यह दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, हमारे गांव में दुर्गा पंडाल भी बैठा हुआ है, वो अंधेरे में कैसे उसका होगा। तो सारे लोगों ने मिलकर एक वैकल्पिक व्यवस्था जो है कि यहाँ से किया, टावर से। तो एनी हाउ को दो दिन से किसी तरह चल रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो और हम लोग खेती को बचाएं। इस संबंध में अधिकारियों से आपने गुहार लगाई? हाँ, क्या कर रहे हैं? और SDO दोनों से उनके दिमाग में डाला गया ये चीज़, लेकिन उन लोगों ने नहीं ध्यान दिया। हमारे गांव में समस्या है कि यह ट्रांसफार्मर 25 केवीए का गहिया रघुनाथपुर टोला पर यह 13 तारीख की शाम 6 बजे अचानक जो है ख़राब हो गया, जिससे यहाँ की विद्युत सप्लाई व्यवस्था जो है ठप हो गई। और यह शारदीय नवरात्र का यह दिन चल रहा है और हमारे गांव में पंडाल भी लगा हुआ है, जिससे यहां पर तो खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और भक्तजन काफ़ी परेशानी में है। और जब इस बाबत हमने यह जेई महोदय शाहजहाँ से इस मामले को संज्ञान में लेना चाहा तो उन्होंने यह कहा कि आप हमको लिखित समस्या अवगत कराइए। तो हमने नेक्स्ट डे जो है उसको लिखित समस्या लिखित अप्लीकेशन जो उनको अवगत कराया, और जब उन्होंने कहा कि ठीक है हम 4-5 दिन बाद इस पर विचार करेंगे, फिर हमने नेक्स्ट समय जो है उनके अगले अधिकारी SDO महोदय महेंद्र भारती से इस समस्या को संज्ञान में लेते हुए कहा कि महोदय हमारे यहाँ यह बिजली व्यवस्था ठप हो गई है। और उन्होंने कहा क्यों हमारे पास आप फ़ोन कर दिए हो, आप जेई के पास फ़ोन करो। तो यह समस्या बहुत ही विकट है।